ट्रैफिक और हॉकर समस्या को लेकर शमीम खान ने सहायक आयुक्त पीचड़ से मुलाकात कर की चर्चा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शहर की ट्रैफिक समस्या पर परिवहन समिति के सदस्य और एनसीपी के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हैं। अब उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति, ठाणे मनपांगी मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पीचड़, इनसे एक शिष्टमंडल के तहत जाकर के मुलाकात की। शहर की ट्रैफिक समस्या और हॉकरों की बढ़ती संख्या, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। किस तरीके से इनकी चर्चा रही और चर्चा के बाद दोनों ने, यानी शमीम खान और सहायक आयुक्त पीचड़, दोनों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। खान की अध्यक्षता में क्या इन्होंने मांग किया और क्या समस्या पेश की आपके सामने? आज जो डेलीगेशन शमीम भाई के अध्यक्ष में राष्ट्रवादी की तरफ से आया है, मुमरा शहर में जो हॉकर्स का मसला है तो वो हल करने के लिए आपने राष्ट्रवाद ने लेटर दिया हुआ है, वो हिसाब से अगले हफ्ते में अपन सब जो इलीगल हॉकर्स लग रहे हैं रोड के ऊपर, फिलहाल अपन उनको येलो बटन मार के दिया है। येलो बटन के आगे जो भी फ्री हॉकर्स बैठेगा उसके अपन कार्रवाई कर लेंगे। दूसरी बात, जो फुटपाथ पे गैरेजेस है, सर्विस स्टेशन से, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। और जो सर्विस स्टेशन है दोबारा लगते तो उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में केसेस दाखिल कर देंगे। सर, ये हॉकर्स पे कार्रवाई हो नहीं रही है, इतना ट्रैफिक है, प्रॉब्लम है, तो आपका अतिक्रमण या जो भी आपका ग्रुप क्या करता है? तो कभी तो कार्रवाई होती नहीं, हॉकर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं गली में, रोड पे, जो अभी इन्होंने बताया शमी। अतिक्रमण डिपार्टमेंट के हिसाब से रोज का हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई चालू है। फिलहाल अपने पास आदमी कम है, हर जगह पे अपन आदमी खड़ा तो कर नहीं सकते। स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक जो एरिया है, रोज का रोज कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये 30 रुपये की पावती का क्या मामला है? ये 30 रुपये की पावती को हमेशा हाईलाइट किया जाता है टीएमसी के लिए, तो इसका क्या मामला है? 30 रुपये का जो पावती है, टेम्पररी बेसिस पे जो भी कोई धंधा यहाँ पे रोड रस्ते पे करते हैं, फुटपाथ पे करते हैं, तो वो उनके पास से अपन 30 रुपये कलेक्शन, 30 रुपये है, 20 रुपये है, वो हिसाब से कलेक्शन कर लेते हैं। वो लेने से वो अधिकृत तो नहीं हो जाते ना? नहीं, 30 रुपये कलेक्शन लेने से वो अधिकृत तो नहीं हो जाते, धंधा करते हैं उसके हिसाब से, वो धंधा करते हैं रस्ते के ऊपर, उसके लिए वो फैसिलिटी यूज करते हैं उसके लिए, उनके पास से वो मुमरा से धंधा करते हैं इसके लिए उनके पास से। आपके आदमी कितने हॉकर्स होंगे अभी मुमरा से? अभी बायोमेट्रिक जो सर्वेक्षण हुआ है तो वो हिसाब से 850-900 का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हुआ है, तो ऐसा देखा जाएगा तो 2500-3000 मेरे ख्याल से, मतलब अधिकृत 850 है आपका बोलना? 850-900 बायोमेट्रिक हुआ है, बायोमेट्रिक जो 17 में बायोमेट्रिक हुआ था तो हिसाब से 850 हुआ। सर, शहर में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, समस्या हर जगह, और आपके सर्विस सेंटर देख रहे हैं जो पानी टीएमसी से चुरा रहे हैं, उसकी कई बार शिकायत भी की, पत्रकारों ने भी आवाज उठाई, उस पर कार्रवाई होती नहीं और ये बढ़ते जा रहा है। सर्विस स्टेशन में भी अभी कार्रवाई तो करेंगे अपन, वो अगर टीएमसी का पानी यूज करते तो उनके ऊपर बाकायदा पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया जाएगा। बोला, जो शिमला पार्क से हम जब निकलते हैं सिलफाटा के लिए, तो सर जो शिमला पार्क में सर जो बनाया गया है सर्विस रोड, सर वो निधि से बना है महानगर पालिका की, तो हम ये आपसे मांग करते हैं साहब कि उस पे जबरदस्ती का इलीगल बहुत सारे गाड़ियां, हॉकर्स, टेम्पो जो भी सब खड़े हुए हैं साहब, उस सर्विस रोड को अगर आप चालू कर देंगे साहब, तो ये जो बेल्ट है शिमला पार्क का भी साहब, यहाँ पे भी ट्रैफिक कम हो जाएगी साहब, और रोड बना हुआ है, तो आपसे हम यही मांग करते हैं साहब। रोड रेडी है, उसके ऊपर जो भी अतिक्रमण है, समझो गाड़ियाँ खड़ी है और दूसरा सामान वगैरह रखा हुआ है, तो वो सब उठा लेंगे और सर्विस रोड जो है वो चालू। और सेकंड सर, जो माज होटल का सर्विस रोड है सर, जो माज होटल पे हम जब जाते हैं रशीद कंपाउंड के लिए अनवर भाई, तो वहाँ पे भी बना है सर्विस रोड, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हॉकर्स, टेम्पो, जो भी चीजें हैं, गैरेजेस है, तो साहब आपसे भी हम मांग करते हैं एमसी साहब कि वो भी एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, तो साहब अगर वहाँ पे भी आप उस पर भी एक विजिट कर लेंगे साहब, तो साहब वो भी एक अच्छा काम हो जाएगा। एक अच्छा आपने सर रोड बनाया वहाँ पे, सर्विस रोड, वहाँ का सर्विस जो रोड बना हुआ है वहाँ का भी सर्वेक्षण कर लेंगे, उस पर जो भी अतिक्रमण है वो हटा देंगे।
आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा ये डेलीगेशन हमारे मुंबरा प्रभाग समिति के यहाँ के AMC बालू पीचड़ जी के साथ में एक मुलाकात थी, जो शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या है। जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो सीनियर ट्रैफिक इंचार्ज साहब हैं खेड़कर साहब, मैं आज मीडिया के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा ये डेलीगेशन उनका शुक्रिया अदा करता है कि जिस तरीके से वो रोड पर उतर करके और मेगाफोन लेके, माइक ले लेकर के, टोचन की गाड़ियां ले लेकर के मुफ्ती साहब, और एक एक गाड़ियों पे जामर लगाते हैं वो, कोई भी बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, यानी फुल एक्शन मोड में हो, उसी एक्शन मोड में उनको हम देखना चाहते थे, जिस एक्शन मोड में आ गए अनवर भाई वो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो ट्रैफिक की समस्या हमारे शहर में हमें और दिख रही है वो ये है कि आज शहर के अंदर जो हॉकर्स हैं, जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, हम हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हॉकर्स जब बायोमेट्रिक किया गया 2017 में, तो जो 2017 के बायोमेट्रिक का जो रिकॉर्ड है जो मैंने प्रभाग समिति से लिया है, वो टोटल 899 या 901 लोगों का है। तो मैं पूछना चाहता हूं AMC साहब से कि सर, अगर बायोमेट्रिक की में जो हॉकर्स टोटल 900 अबाव है, तो बाकी ये टोटल 8000 हॉकर शहर में कहां से आ गए? तो जो 8000 हॉकर्स आ गए, ये कहीं ना कहीं अंबरनाथ, दीवा, कहीं अतराफ के इलाकों से, मुंबई की तरफ से मुंबरा में आकर के सिटी को कहीं ना कहीं पैक कर दिए। बदनसीबी की बात यह है कि हमारा शहर वन साइडेड है, हमारे शहर के पास टू वे नहीं है, एक ही रोड है, बहुत खूबसूरत रोड है, लेकिन रोड एक ही है, वो हमारे शहर की बदनसीबी है। अब उसको अगर आप जान कर देंगे हॉकर से, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि शमीम खान, उनके साथी सिर्फ ट्रैफिक इंचार्ज को लेकर के और गाड़ियों को लेकर, रिक्शा को लेकर, बाइक को लेकर के, कार को लेकर के इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मोर्चा निकाल रहे हैं और उस पर एक्टिव मोड पे काम कर रहे हैं, तो हॉकर से काम कब से चालू करेंगे? तो उन्हें कहना चाहता हूं मैं, और आज आपके सामने हमारी मांग हुई है हमारे AMC साहब से कि जिस तरीके से मैंने कहा है, जिस तरीके से ट्रैफिक इंचार्ज साहब आज 15 दिनों से धूप नहीं देख रहे हैं, कहां खड़े हो खुद नहीं देख रहे हैं, खाना खाए बिचारे उसको भी ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके से हम AMC साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि AMC साहब, इलीगल बिल्डिंगों पे कार्रवाई तो होती रहेगी, हम उसके लिए ना आपको सपोर्ट के लिए ना आप उसके लिए आए, लेकिन जो इलीगल हॉकर्स हैं, कल से उनके लिए आप निकलिए सर, और आप निकल करके उन पे एक्शन लीजिए और शहर को ट्रैफिक मुक्त कीजिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से शिमला पार्क के टर्निंग पे जब हम जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे इलीगल टेम्पो खड़े हैं, ये मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से भी कहना चाहता हूँ, वहां हॉकर्स खड़े हुए हैं, वो रास्ता जब इतना खूबसूरत बन गया है, तो वहां पे जितने भी इलीगल पार्किंग्स हैं, जितने भी इलीगल वहां काम हो रहे हैं, सबको निकाल के साफ किया जाए। और इस तरीके से रशीद कंपाउंड का जो हलका है, रशीद कंपाउंड में भाज होटल के सामने बहुत खूबसूरत रोड वहां बन गया है, सर्विस रोड, तो उस सर्विस रोड को भी साफ किया जाए। जहां जहां बन गए सर्विस रोड, उसको क्लियर करके वहां पे चालू किया जाए। इस तरीके से जितनी इलीगल गैरेजेस है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जितने यहाँ के शहर के अंदर सर्विस सेंटर है उस पर कार्रवाई किया जाए। कोई ला करके गन्ने का जूस लगा दिया इलाके के ऊपर और बोले भाई मैं तो फला पार्टी का हूँ, अरे तुम किसी भी पार्टी को हो, यहाँ पार्टी वार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे शहर को साफ करना है, कोई ये मत बताए वो किस पार्टी का है, आप गलत तरीके का धंधा लगाओगे आपको माफ नहीं किया जाएगा, शोरबा की गाड़ी लगा देते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ,
आज ये जो डेलीगेशन डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में उनकी क्यादत में उनके आदेश के अनुसार यहाँ खड़ा हुआ है, ये आज से अपने शहर के अंदर हर गली और हर नुक्कड़ पे एक्टिव रहेगा और ट्रैफिक फ्री करके मुमरा को इंशाल्लाह ताला हम लोग सांस लेंगे। आश्वासन दिए इन्होंने आपकी शिकायत, आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कल से यानी मतलब मंडे से वो निकलेंगे और हॉकर्स पे जो इलीगल हॉकर्स हैं उन पे एक्शन लेंगे और कल से उनकी पूरी टीम सर्विस रोड को फ्री कराएगी। सर मीटिंग में पार्किंग जोन को भी लेके कुछ बात, पार्किंग जोन को लेके बात किया गया है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मिस्टर कोलटकर साहब को और खेड़कर साहब और खुद एमसी साहब बैठेंगे और हम लोग बैठ के उनसे चर्चा करेंगे और एक दौरा करेंगे और दौरा करके हम लोग ये तय करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे पार्किंग जोन कहाँ कहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाना है। मुफ्ती साहब इस तरीके का प्लान किया जाएगा और अब शहर को और आगे हम एक और मांग करते हैं, हमारे जो यहाँ के हमारे जो डीसीपी साहब हैं राठौर साहब हैं, हम आपके माध्यम से उनसे मांग करते हैं, हमारे ट्रैफिक इंचार्ज से मांग करते हैं, हमारे शहर के हर नाके के ऊपर वहाँ पे सिग्नल भी होना चाहिए, बहुत दिनों से सिग्नल नहीं लग पाया, वहाँ सिग्नल भी होना चाहिए।